ओके बेटा, आज हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, ये गिवन है। एंड एक्स वाई और जेड किस रेंज में लाई करते हैं? बिटवीन 0 and 1। देन हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजे। गिवन क्या है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, मीन्स 180 डिग्री मेजरमेंट इन डिग्री फॉर्म। ये रेडियन फॉर्म है हमारे पास। इट मीन्स क्या हुआ? ये 60 प्लस 60 प्लस 60 which will imply cos inverse x is equal to pi over 3, cos inverse y is equal to pi over 3, and cos inverse z is equal to pi over 3, which will imply x will be cos pi over 3, y will be cos pi over 3, z will be cos pi over 3, it means cos 60 1/2 और हमें प्रूव करना है ये। x square plus y square plus z square इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर, टू से टू कैंसिल, वन ओवर फोर, वन प्लस वन प्लस वन, फोर ओवर फोर इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना था। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आया जी आपको? नेक्स्ट
prove that two into tan inverse A minus B over A plus B root tangent theta by 2 is equal to cos inverse ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 10 इनवर्स दिस लेट इट बी x जो ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसमें आपको इमीडिएटली एट वन ग्लांस मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सी साइड को सॉल्व करना है तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टू ये वाला टू यहाँ पे नेक्स्ट टेन एक्स बाई टू दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी अब आप देखिए कि आपको जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में वो कॉस इनवर्स में है तो इट मीन्स आप कॉस के फॉर्मूले पे जाएंगे ठीक है आप लिखोगे वी नो दैट हमें ये मालूम है और ऐसा मत कहना कि आपको मालूम नहीं है आप 11th क्लास में ये फॉर्मूला करके आए हैं बेटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अब टेन एक्स बाई टू की वैल्यू यहां से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से है वो उठा के यहां पे पुट कीजिए स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट जो है वो कैंसिल होगा राजे ओवर वन प्लस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी ए माइनस बी टेन स्क्वेयर थीटा बाई टू यहाँ से एलसीएम लिया ठीक है ये इसके साथ चला गया ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ अपॉन a प्लस बी सेम थीटा बाय टू फिर इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट को रिमूव कर दो ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन ए प्लस बी प्लस ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू नेक्स्ट स्टेप ए और ए इन दोनों को एक साथ रखिए
सिमिलर वे से डिनोमिनेटर पार्ट में भी ऐसा करना है. नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ से कॉमन लेना है, इस ब्रैकेट से ए कॉमन, यहाँ से बी सिमिलर, यहाँ से ए और बी. टेन स्क्वायर थीटा बाय टू. जब आप यहां तक पहुंच जाएं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक ना लेते हुए आपको अपने रिजल्टेंट पे चले आना है, b प्लस ए इंटू कॉस थीटा. तो इट मींस जो न्यूमरेटर पार्ट में b है उसके साथ और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है. इसका मतलब आपने इसको रिमूव कर देना है. इसको रिमूव कैसे करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों केसेस में आपने क्या करना है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है. ए ये तो आपके पास आइडेंटिटी है ही है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, ए इंटू रिप्लेस कर दीजिए इससे बेटा, ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस. यहाँ से क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू कॉस थीटा प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है, लेंथी भी है, इसमें फॉर्मूले काफ़ी ऑपरेट होते हैं, तो आपको ध्यान से करना है और इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटा. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए, लेंथी स्टेटमेंट थी. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये इतना कुछ जो गिवन होता है ना, इसके कुछ मीनिंग होते हैं, बिना किसी मीनिंग के ये नहीं लिखा गया होता. यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड, इट मीन्स फ्रॉम माइनस वन टू वन, इट मीन्स हमें हमारे पास जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डोमेन एज वेल एज रेंज अवेलेबल होता है उसी को पॉइंट उसको माइंड में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू थ्री पाई ओवर टू, वो आपके पास गिवन है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, पहले आपके पास कॉस इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आया है, थ्री पाई बाय टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू. यहाँ से मेरे पास क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, साइन इनवर्स वाई is equal to pi over 2, sin inverse z is equal to pi over
2. From this, x is equal to sine pi over 2, y is equal to sine pi by 2, z is equal to sine pi by 2. It means sine pi by 2 1 hota hai, x is equal to 1, y is equal to 1 as well as z is also 1. हमें प्रूव करना है ये, इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है. x रेज टू पावर 2000 प्लस y रेज टू पावर 2001 प्लस z रेज टू पावर 2002 माइनस 9 ओवर x रेज टू पावर 2000 y रेज टू पावर 2001 प्लस z रेज टू पावर 2002. यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू पुट कीजिए, z की वैल्यू पुट कीजिए, वन रेज टू पावर दिस वन प्लस वन प्लस वन, वन रेज टू पावर 2000 इट विल बी वन. वन आर थ्री नाइन और थ्री 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 माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही देखने से डर लगता है. सोल्यूशन करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, बट इंपॉर्टेंट बहुत है. नेक्स्ट If tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to pi, then show that x plus y plus z is equal to x into y into z. ये चीज गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z. इस पे मैं टैन इनवर्स का फॉर्मूला ऑपरेट करता हूँ. टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स इन टू वाई ठीक है. अब क्या कि टैन इनवर्स जो मेरे पास है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इट विल बी इक्वल टू दिस. ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे जाना है, टेन पाई माइनस थीटा, पाई की वजह से क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 का, उसकी वजह से टी रेशो चेंज नहीं होती हैं आपको मालूम है, तो ये चेंज नहीं होने यहाँ पे tan एज इट इज रह गया tan थीटा, बट पाई माइनस थीटा ठीक है इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा और सेकंड में tan होता है नेगेटिव ठीक है. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑपरेट कर लेना आपने, दैट विल बी इक्वल टू माइनस z. माइनस z मीन्स माइनस z ओवर वन, इनको हम करेंगे
cross multiply x plus y is equal to minus z 1 minus x into y. X plus y is equal to minus z plus x y z. X plus y plus z is equal to x y. ये आपके लिए रिक्वायर्ड या डिजायर रिजल्ट था जो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। एक लास्ट और क्वेश्चन आपको करवाता हूं राजे, वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम मोस्टली क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, बट एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्स या किसी पर्टिकुलर एंगल को आपने इवैल्यूएट करना है। टू इंटू टेन इनवर्स cos x is equal to tan inverse 2 into cosecant x. इसमें हमें बोला है सॉल्व द इक्वेशन, इट मीन्स हमें ये प्रूव नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। ये बराबर हैं, ये तो हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए 2 into tan inverse x का, tan inverse 2 into x over 1 minus x square, tan inverse cosecant को आप चेंज कीजिए, इट विल बी 1 over sin। यहां से क्या हुआ 2 into cos x 1 minus sin square x, 2 into sin x, 2 से 2 कैंसल, ये बना साइन है बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस ओवर साइन कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स विल बी पाई ओवर 4, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो बेटा अभी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, इस जो भी आपको क्वेश्चन करवाए वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा एनसीईआरटी एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। अभी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर आपने मेरे से पूछना है। थैंक यू बेटा।